बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ऑर्डर बाय क्लॉज की जानकारी ली थी और अपनी इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार से अपसॉर्ट कर सकते हैं इसकी जानकारी हमने पिछले सेशन में ली थी। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इन के बारे में। इन आपके पास ऑप्शंस देता है जिसको आप और की तरह प्रयोग कर सकते हैं अपनी चॉइसेस बेस पे इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास पहली लाइन में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, सेल टेबल से डेटा सेलेक्ट करना है, वेयर स्टेट इन। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने राउंडेड ब्रैकेट्स में दो ऑप्शंस दे दिए हैं, हरियाणा और पंजाब। तो जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो इन दोनों के आधार पर ही आपको क्वेरी का रिजल्ट दिया जाएगा। तो जो ब्रैकेट्स में ऑप्शन आपने दिए उसी के बेस पे आपके पास क्वेरी जनरेट होगी और उसी के बेस पे रिजल्ट सेट अवेलेबल होगा। इसी तरह से नीचे देखें तो नॉट इन का प्रयोग किया है, इसका अर्थ हरियाणा पंजाब को छोड़कर बाकी सारा डेटा। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं इन और नॉट इन का। आइए प्रैक्टिकल रूप में इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे यदि आप देखें तो मैंने माई सीक्वल एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर पहले ही खोल लिया है और यहाँ नीचे की तरफ जाकर मैं इन को सर्च कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इनको ताकि आपको आसानी से इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ फिर से और इस फाइल को मैं खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं इस फाइल को मिनिमाइज़ कर देता हूँ पिछले वाली को। अब मुझे ये टेबल बनाना है और साथ में ये क्वेरीज को मुझे चलाना है। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ और उसमें डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए कॉपी कर ले यहाँ से, SQL में आ जाएं। देखिए पहले टेबल नहीं होना चाहिए आपके पास, अगर है तो उसे डिलीट कर दे, कंट्रोल वी पेस्ट और गो। अब आपके पास यहाँ क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ से मैं देखें आपके पास टेबल है, यहाँ क्लिक कर दूँ तो टेबल मेरे पास आ जाएगा। तो इस टेबल में हमने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन पहले से डाला हुआ है, जैसे बिल नंबर, डीलर नेम, प्रोडक्ट नेम, स्टेट और टोटल सेल। ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से स्टोर की हुई है। अब मैं नीचे की दो क्वेरीज पर अगर देखूँ तो मुझे इन दोनों क्वेरीज का रिजल्ट चाहिए। सेल जो हमारा टेबल है उसमें से हरियाणा पंजाब की डिटेल चाहिए सभी कॉलम्स की, तो पहली क्वेरी तो ये रिप्रेजेंट करती है। दूसरी वाली क्वेरी में हरियाणा पंजाब को छोड़कर, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे और एक नई टैब में SQL खोल लेता हूँ अलग से ताकि ये टेबल भी बना रहे और मैं नई क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर पाऊँ। कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ दोनों क्वेरीज को इकट्ठा ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब सबसे पहले बात करते हैं वेयर स्टेट इन हरियाणा पंजाब। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे हरियाणा पंजाब है केवल वही डेटा आपको दिखाया गया है यहाँ पे, जबकि ओरिजिनल टेबल में आपके पास बिहार भी अवेलेबल है और हिमाचल भी अवेलेबल है। तो हरियाणा पंजाब से रिलेटेड ही सेल को दिखाया गया है। थोड़ा सा नीचे आ जाएं दूसरी क्वेरी में, नॉट इन हरियाणा पंजाब। तो ऐसे केस में आपके पास हरियाणा पंजाब को छोड़कर बाकी सारा डेटा दिखाया गया है। तो इस तरह से इन का प्रयोग आप कर सकते हैं और यह इन कुछ इस तरह से कार्य करता है जिस प्रकार से और कार्य करता है, क्योंकि उसमें भी हम और के साथ हरियाणा और पंजाब की जानकारी के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। अगले सेशन में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और देखेंगे इन और बिटवीन के साथ किस प्रकार से डेटा को क्वेरी किया जा सकता है। धन्यवाद।